ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को अचानक अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। उन पर कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए ब्रिटेन के पीएम ऑफिस में पार्टी करने के आरोप लगे थे। मामले की जांच के लिए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी बनाई थी, जिसने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें बोरिस जॉनसन पर पाबंदियां लगाने की बात कही गई है। इस पर बोरिस जॉनसन ने आरोप लगाया कि जांच में शामिल सांसद कंगारू कोर्ट चला रहे हैं और उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं। इस्तीफा देने के बाद बोरिस जॉनसन ने कहा, कुछ लोग साजिशन मुझे फंसा रहे हैं, वो अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। चंद लोग मिलकर मुझे बाहर निकाल रहे हैं। पार्टी गेट मामले में बोरिस जॉनसन के अलावा प्रधानमंत्री ब्रिटिश सुनक पर भी आरोप है। दरअसल साल 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना के चलते पाबंदियां लगी हुई थी। ब्रिटेन में भी लॉकडाउन के साथ हर तरह की गैदरिंग्स पर रोक थी। जब जॉनसन ने अपने 56वें बर्थडे पर डाउनिंग स्ट्रीट में शराब पार्टी की थी, ये पार्टी उनकी पत्नी ने रखी थी। इसमें पीएम ऋषि सुनक के साथ ही कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। जब ये मामला सांसद में उठा तो जॉनसन ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन पर चार बार सांसद को गुमराह करने के लिए आरोप लगे। अब ब्रिटिश संसद की प्रिविलेज कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।